कांग्रेस पार्टी नासिक जिला सदर की बीजेपी में शमूलियत। डॉक्टर शोभा बच्चाओं के लिए बड़ी मुश्किलें। गुड़िया 12 मई 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन के पांचवें मरहले की 20 मई को वोटिंग होनी है, जिसमें धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट हल्का भी शामिल होगा। ऐसे में आयन इलेक्शन से कबल मालेगांव आउटर के साकिन कांग्रेस पार्टी के जिला सदर डॉक्टर तुषार शेवाड़े ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आपको बता दें, डॉक्टर तुषार शेवाड़े ने मालेगांव आउटर में असेंबली इलेक्शन में दादा भूसे के सामने उम्मीदवारी की, मगर कामयाब नहीं हो सके। इस मरतबा पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 में कांग्रेस पार्टी से मालेगांव धुलिया पार्लियामेंट हल्का से उम्मीदवारी करने का इरादा जाहिर किया था और आला अहदेदारान से टिकट की भी मांग की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, जिससे नाराज होकर तुषार शेवाड़े ने पार्टी की जिला सदारत से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन पार्टी हाईकमान ने उन्हें रियासती ओहदा देकर खुश करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। आज डॉक्टर तुषार शेवाड़े ने धुलिया में बीजेपी के एक जलसे में शिरकत की और वहीं बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तुषार शेवाड़े का कहना है कि मेरे साथ मेरे मुहिबिन व सैकड़ों वर्कर्स मौजूद हैं, जो हमेशा मेरे साथ मौजूद रहेंगे। डॉक्टर तुषार शेवाड़े का बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने से यकीनन कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर शोभा बच्चाओ को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इस पर आवाम ही सही फैसला लेने के लिए आज़ाद है। देखना यह है कि आगे होता है क्या। इंसाफ टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर मियारी खबरों के साथ साथ पार्लियामेंट इलेक्शन से मुतालिक खबरें भी शाये की जाएंगी। आपसे गुजारिश है, आप इंसाफ टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।